उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी का भाषण, सुना मैंने, 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने, उस 2 घंटे में 1 लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दिया ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को, लेके डूबोगे क्या इस देश को, मारोगे क्या लोगों को, तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर, कत्लेआम करोगे क्या लोगों का, पावर तो सारी है तुम्हारे पास, इसी लोगों ने पावर दिया, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है, बस एक ही लाइन, वो पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दिए तुमको? पावर इसलिए दिए कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दिए कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दिए कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दिए कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो। पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है, जनतंत्र की बात करेंगे, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात, और यहां आके डेमोक्रेसी को कुचलने की और क्रश करने का। मैं ये सोच रहा था, डेमोक्रेसी के कई सिस्टम होते हैं, कोई कहता है वेस्टमिंस्टर मॉडल, कोई कहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, कोई कहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, अलग अलग मॉडल हैं। ये जो बिल लाए हैं इसमें 3 मेंबर कमिटी बनाई है जिसमें मुख्यमंत्री होगा और 2 अफसर उसके सर पे बैठे होंगे, ये कौन सा मॉडल है? भगवान ही जानता ये कहां से लाए हैं। RSS वालों का सबसे खुराफाती दिमाग होता है, ये संघी मॉडल है, भगवान ही जानता है ये ऐसा मॉडल वेस्टमिंस्टर मॉडल है कि लंदन का, ये संघी मॉडल है जो ये डेमोक्रेसी का एक अलग ही मॉडल ये निकाल के लेके आए हैं, चौथी पास मॉडल है ये।